नमस्ते, मैं रजनी खबर लहरिया से। आइए आज 1 मार्च की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। फोन ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए लाजवाब प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट और मैसेज का लाभ मिलेगा। भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर की रिहाई मामले में नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अभिनंदन की रिहाई के पाकिस्तान सरकार के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का यूपी सरकार द्वारा रामस्वरूप श्रीवास को सदस्य मनोनीत होने पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री सिद्ध वीर हनुमान जी मंदिर बेलाताल स्थान पर बांटी गई मिठाई। महाशिवरात्रि व रामनवमी मेले को लेकर जिलाधिकारी अनुज झा ने की बैठक। संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में किया बैठक। बाघा बॉर्डर पर आज शाम होने वाला बीटिंग स्ट्रेट को रद्द कर दिया गया। यह फैसला अभिनंदन की सुरक्षा के चलते लिया गया है। अम्बेडकर नगर जेल बनकर तैयार, जेलर के साथ एक डिप्टी जेलर की भी हुई तैनाती। पाकशाला व अन्य व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश, जल्द ही मंडल कारागार से शिफ्ट होंगे। अम्बेडकर नगर के कैदी 60 कैदियों की पहली लिस्ट तैयार। विक्की कौशल की फिल्म उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय बॉक्स ऑफिस आज शुक्रवार को अपनी रिलीज के 50 दिन पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म के लिए ये शानदार सफर रहा, क्योंकि फिल्म के इस बम्पर कलेक्शन पर कोई उम्मीद ही नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ग्रुप की निदेशक शिव प्रिया अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर सकती। ये थी दिन भर की मुख्य खबरें। कल के खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।